हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल आज के वीडियो में हम टेंस टॉपिक को ही कंटिन्यू रखेंगे आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने इन टेंस को स्टार्ट किया था जिसमें हमने प्रेजेंट इन टेंस कवर कर लिया था ठीक है फ्यूचर इन टेंस को कवर करेंगे बट बिफोर वी स्टार्ट इफ यू आर न्यू टू माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन मी ऑन टेलीग्राम एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम लिंक्स ऑफ विच आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड

पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है पास्ट इंडेफिनेट में सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट और आपको याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में डायरेक्ट क्या यूज़ की जाती है मेन वर्ब यूज़ की जाती है लेकिन मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की जाएगी आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में भी डायरेक्ट मेन वर्ब यूज होती है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और यस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ठीक है लेकिन पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाती है तो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा डायरेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाएगी एंड ऑब्जेक्ट अब अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो जब भी सेंटेंस में आप नॉट लगाते हो तो नॉट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब देने मेंडेटरी होती है अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसके नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है डिड ठीक है आपको याद होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी डू और डज होती थी लेकिन पास्ट इन डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी Did होगी पर इन दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या है चाहे आप डू डज लगा रहे हो सेंटेंस में या डिड लगा रहे हो इन दोनों के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है देखिए नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा क्योंकि नॉट आया है तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे यहाँ पे डिड लगाएंगे और डिड के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा क्या लिखी जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है डू डज और डिड इन तीनों के साथ हमेशा क्या लिखा जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सो दिस इज़ ए पॉइंट टू नोट अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन दो तरीके से होती है सबसे पहले तो अगर सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाए दूसरा होता है सेंटेंस स्टार्ट विद डब्लू एच फैमिली इफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन केस ऑफ पास्ट एंड डेफिट टेंस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब इट हैज टू बी ऑलवेज डिड क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला पास्ट एंड डेफिनेट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या लिखा जाएगा डिड लिखा जाएगा सब्जेक्ट और मैंने अभी अभी आपको बताया डू डस डेड के साथ हमेशा क्या लगती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क और अगर डब्ल्यू एच फैमिली से आप बना रहे हो सेंटेंस को सबसे पहले हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लिखेंगे फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देना मैंडेटरी होता है फॉर एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ठीक है अब पास्ट एंड डेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी डिड होगी सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क हियर आर सम एग्जांपल्स शी प्लेड क्रिकेट पास्ट में सेंटेंस है वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है वर्ब की सेकेंड फॉर्म पर सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लुरल होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है वेदर द गिवन सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लुरल इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनेट टेंस वर्ब शुड बी ऑलवेज़ इन इट्स सेकेंड फॉर्म लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ये क्वेश्चन चेंज होती रहती है नेक्स्ट वन अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी तो ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट फिर मैं यहाँ पे प्लेड नहीं लिख सकती हूँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा प्ले क्योंकि डिड के साथ हमेशा क्या लिखी जाती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नेक्स्ट वन डिड ही प्ले क्रिकेट ये हुआ इंटेरोगेटिव सेंटेंस वॉट डिड ही प्ले ये इंटेरोगेटिव यूजिंग डब्ल्यू एच फैमिली ठीक है अब हम बात करते हैं इसमें एक नोट की वेरी इंपॉर्टेंट नोट मैंने प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में भी एक नोट करवाया था और पास्ट में भी करवा रही हूँ ये दोनों जो नोट्स हैं इनमें जो मैं एडवर्ब्स लिखवा रही हूँ ये एडवर्ब्स क्लियर करती हैं कि सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनट लगेगा या पास्ट इंडेफिनिट लगेगा या फ्यूचर इंडेफिनेट लगेगा ठीक है सो सम एडवर्ब्स लाइक येस्टर डे द अदर डे या लास्ट के साथ कोई भी टाइम मेंशन कर दिया जाए यानी लास्ट डे लास्ट मंडे लास्ट ईयर लास्ट मंथ लास्ट वीक कुछ भी टाइम मेंशन कर दिया जाए या द प्रीवियस के साथ कोई भी टाइम मेंशन कर दिया जाए जैसे द प्रीवियस डे द प्रीवियस मंथ द प्रीवियस ईयर द प्रीवियस वीक कुछ भी ऐसा कर दिया जाए या अगो अर्लियर ये सारे वर्ड्स जो हैं वो किसको इंडिकेट करते हैं पास्ट को इंडिकेट करते हैं जिस भी सेंटेंस में इनमें से कोई एक वर्ड यूज हो रहा है या एक एडवर्ब यूज हो रही है तो वहां पे जनरली आपने कौन सा टेंस लगाना होता है पास्ट इनडेफिनेट टेंस का यूज़ करना होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेट योर ब्रदर येस्टडे जैसे ही आपने सेंटेंस में येस्टडे देखा तो हैव मेट नहीं आएगा यहाँ क्या आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि मेट लिखा जाएगा आई मेट योर ब्रदर येस्टडे नेक्स्ट वन शी हैज़ बॉट अ कार टू ईयर्स अगो टू ईर्स अगो जैसे ही आपने अगो देखा यानी यहाँ पे क्या कौन सा टेंस आएगा पास्ट एंड डेफिनेट टेंस आएगा यानी हैज़ बॉट नहीं आएगा यहाँ पर डायरेक्ट क्या लिखी जाएगी बॉट बिकॉज बाय की सेकेंड फॉर्म क्या होती है बॉट शी बॉट अकार टू ईयर्स अगो अब हम बात करते हैं पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की एप्लीकेशंस की ये जो एप्लीकेशन है पास्ट एंड डेफिनेट की दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में इस एक रूल से पास्ट एंडेफिनेट के अंदर अगर किसी भी सेंटेंस में इट इज टाइम या इट्स हाई टाइम लिखा हुआ है तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में हमेशा क्या लिखी जाती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी जाती है देखो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट्री ये रूल क्यों है क्योंकि यहाँ पहले पार्ट में तो क्या लिखा है इसमें इज इस लिखा हुआ है इज किसको रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट को लेकिन सेकेंड पार्ट में हम क्या लिखते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं यानी पास्ट की फॉर्म लिखते हैं आपको याद रखना है कि इट इज़ टाइम या इट इज हाई टाइम के साथ हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर होगा इट इज टाइम यू शुड स्टडी वैसे तो देखने में सेंटेंस सही लग रहा है टाइम आ गया है पढ़ना चाहिए लेकिन इट इज टाइम यू शुड स्टडी नहीं होगा इट हैज टू बी यू स्टडीड क्योंकि इट इज टाइम या इट्स हाई टाइम के साथ हमेशा क्या लिखी जाती है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जाती है तो यू शुड स्टडी नहीं आना चाहिए यू स्टडीड आना चाहिए ठीक है नेक्स्ट वन इट इज हाई टाइम यू शुड ज्वाइन अ न्यू कंपनी अगेन इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम आता है तो शुड ज्वाइन नहीं आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा ज्वाइंट सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आ जाएगी नेक्स्ट वन द कंपनी इज नॉट डूइंग वेल इजेंट इट टाइम यू सेल इट ऑफ अब इज एंट इट टाइम लिखा है यानी इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखा है चाहे सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में लिखा हो या सिंपल में लिखा हो इट इज हाई टाइम के केस में हमेशा क्या लिखी जाएगी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जाएगी यहाँ पे सेल नहीं आएगा इट हैज टू बी सोल्ड नेक्स्ट वन ही है तो हैज बीन का यहाँ पे कोई काम नहीं है वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी लेकिन दिया दिया है, Passive voice में दिया है. Passive voice में में की second form को कैसे लिखा जाता है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अब यहाँ पे इन्वाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वॉज ही वॉज इन्वाइटेड बाय माई फ्रेंड्स येस्टरडे नेक्स्ट वन डिड यू नॉट इन्फॉर्म्ड डैम अबाउट द मीटिंग अब सेंटेंस में क्या है यहाँ पे डिड लिखा हुआ है तो डिड के साथ हमेशा क्या लिखी जाती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वो यानी यहाँ पे इन्फॉर्म्ड नहीं आएगा इट हैज़ टू बी इन्फॉर्म डिड यू नॉट इन्फॉर्म डैम अबाउट द मीटिंग नेक्स्ट वन ही डिड नॉट वेंट टू अमेरिका अगेन डिड आया है तो वेंट नहीं आएगा यहाँ पर क्या लिखा जाएगा गो लिखा जाएगा नेक्स्ट वन माई ब्रदर हैज़ रिटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग टू मंथ्स बैक टू मंथ्स बैक यानी किसकी बात हो रही है पास्ट की बात हो रही है तो हैज नहीं आएगा डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा रिटर्न माई ब्रदर रिटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग टू मंथ्स बैक नेक्स्ट वन मानव हैज ब्रोकन अ कप लास्ट इवनिंग लास्ट इवनिंग यानी किसकी बात हो रही है पास्ट की पास्ट की बात हो रही है तो हैज ब्रोकन नहीं आएगा इट हैज़ टू बी ब्रोक ब्रेक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है ब्रोक मानव ब्रोक अ कप लास्ट इवनिंग नेक्स्ट वन महमूद गजनवी हैज़ इन्वेडिड इंडिया मैनी टाइम्स अभी महमूद गजनवी ने इंडिया को इन्वेड किया था बहुत बार किस की बात हो रही है पास्ट की बात हो रही है पास्ट की बात होगी तो हैज़ नहीं आएगा इट हैज़ टू बी सेकंड फॉर्म यानी इन्वेड महमूद ग़नवी इन्वेड इंडिया मैनी टाइम्स नेक्स्ट वन ही हैज़ रिटर्न दिस नावल इन नाइनटीन ऐटी फाइव नाइनटीन ऐटी फाइव है यानी किसकी बात हो रही है पास्ट पास्ट की बात हो रही है तो हैज़ रिटर्न नहीं आएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है रोट ही रोट दिस नॉवल इन नाइनटीन एटी फाइव तो आई गेस आपको पास्ट इन टेंस अच्छे से समझ में आया होगा कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अब इनडेफिनेट टेंस में लास्ट टाइप जो टेंस की बचती है वो है फ्यूचर इन टेंस ठीक है फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस मतलब फ्यूचर की बात हो रही है कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर में होगा एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर जैसे कि आई विल गो टू डेली टुमारो मैं कल डली जाऊंगा किस में बात हो रही है फ्यूचर में की बात हो रही है तो कौन सा टेंस होगा वहाँ पे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो फिक्स होती हैं वो क्या होंगी विल और शल देखो अब आपको एक बात याद रखनी है इनडेफिनिट टेंस में पास्ट और प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता था डायरेक्ट क्या यूज़ की जा रही थी मेन वर्ब लेकिन फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो तीनों में ही हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा और हेल्पिंग वर्ब भी फिक्स होगी वो कौन सी होती है विल और शल लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही थी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है ठीक है तो पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो सिंपल है सब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब में विल शेल है और इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब लगती है फर्स्ट फॉर्म कोई भी मॉडाल है हमेशा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है विल शल कैन कुड वुड शुड मे माइट मस्ट इन सबके साथ क्या लगती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो आपको याद रखना है फ्यूचर इनडेफिनेट में विल शेल के साथ हमेशा क्या रहेगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी नेगेटिव की अगर बात करें तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा बाकी फॉर्मेशन सेम है इंटेरोगेटिव की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या है विल शेल है तो वो आगे आ जाएगी सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क अब आपको ये बात पता होनी चाहिए आई और वी के साथ हमेशा क्या लगता है शेल आई और वी कौन सा पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन होते हैं बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है विल का यूज़ किया जाता है ही शी इट दे यू एनी नेम ये सब क्या होते हैं आपके यू होता है आपका सेकेंड पर्सन एंड द रिमेनिंगज आर थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ विल लगता है फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है जनरली शेल का यूज़ किया जाता है अभी स में भी हम एक नोट देखेंगे जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट में देखा था सम एडवर्ब्स लाइक टुमोरो नेक्स्ट के साथ कोई भी टाइम जैसे कि द नेक्स्ट मंथ द नेक्स्ट डे द नेक्स्ट ईयर द नेक्स्ट वीक कोई भी टाइम मैंशन किया हो सून शॉर्टली इन अ फ्यू मोमेंट्स नेक्स्ट मंथ वीक डे ईयर एक्सेट्रा कुछ भी करके ऐसा दिया है तो ये सारे वर्ड्स किसको इंडिकेट करते हैं फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं ठीक है थीके? फ्यूचर को इंडिकेट करेंगे ये डेफिनेटली so हमें कौन से टेंस लगाना है फ्यूचर इनकी जो, जो हमें क्लियरली सेंटेंस को देख के पता लगता है कि सेंटेंस में कौन सा टाइप का टेंस अप्लाई होगा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ सबसे पहले एप्लीकेशन है इसमें केस ऑफ कमांड प्रोमिस थ्रेट डिटर्मिनेशन कंपल एंड एडवाइस यानी कमांड प्रोमिस थ्रेट डिटर्मिनेशन इन सब के केस में आय और वी के साथ हमेशा क्या लगता है विल और बाकी जितने भी प्रोनाउन बचते हैं यू ही शी इर्दे या एनी नेम इन सब के साथ क्या लगता है शल ठीक है देखो मैंने अभी अभी आपको बताया था जनरली आय और वी के साथ क्या लगाया जाता है शन लगाया जाता है बाकी सबके साथ क्या लगाया जाता है विल लेकिन अगर सेंटेंस में कमांड नज़र आती है प्रोमिस थ्रेट डिटर्मिनेशन कंपल्सन या एडवाइस इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो ये जो मोडालस का यूज है वो उल्टा हो जाता है आई वी के साथ हम क्या लगाएंगे विल और बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं शेल एग्जाम्पल देखो आई एम श्योर आई शेल हेल्प यू दिस टाइम आई एम श्योर श्योर है तो मतलब सेंटेंस में क्या है डिटर्मिनेशन नज़र आता है डिटर्मिनेशन है तो फिर आई वी के साथ क्या लगाना पड़ेगा विल यानी यहाँ पे शेल नहीं आएगा इट हैज टू बी विल नेक्स्ट वन विल आई कम टू हेल्प यू अब क्वेश्चन ये उठता है क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी सेम रूल अप्लाई होगा आंसर इज नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चाहे जो भी कंडीशन दी हो कमांड प्रॉमिस थ्रेट एड डिटर्मिनेशन कुछ भी दिया हो या ना दिया हो लेकिन आई वी के साथ हमेशा क्या लगेगा शेल लगेगा बाकी सबके साथ क्या लगेगा विल इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हर तरीके के सेंटेंस में हमेशा आई वी के साथ क्या लगेगा शेल और बाकी सबके साथ क्या लगता है विल तो इसलिए यहाँ पे विल नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा शेल नेक्स्ट वन शेल ही डांस इन योर पार्टी यहाँ पे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो शेल नहीं आएगा ही के साथ क्या लिखा जाएगा विल नेक्स्ट वन द कैप्टन इज श्योर दैट ही विल विन द गेम द कैप्टन इज श्योर श्योर का मतलब क्या है डिटर्मिनेशन नजर आ रहा है डिटर्मिनेशन है तो ही के साथ विल नहीं आएगा इट हैज़ टू बी शेल उल्टा हो जाएगा वर्ब का यूज ठीक है आई मीन डाउट वेदर द प्रिंसिपल शेल टेक टी और कॉफी आई एम इन डाउट डाउट में है डाउट में है तो इनमें से तो कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती है यानी नॉर्मल रूल अप्लाई होगा द प्रिंसिपल थर्ड पर्सन होता है तो शेल की जगह पे हम क्या लगा देंगे यहाँ पे विल ठीक है नेक्स्ट वन द प्रिंसिपल इज श्योर दैट द स्टूडेंट्स विल गेट गुड मार्क्स दिस टाइम द प्रिंसिपल इज श्योर श्योर है तो क्या है यहाँ पे डिटर्मिनेशन है डिटर्मिनेशन है तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा विल की जगह पे शेल थर्ड पर्सन के साथ शेल हो जाएगा नेक्स्ट वन ही थ्रेटर्न देम दैट ही विल किल दैम थ्रेट क्या है थ्रेट के केस में क्या आता है वर्ब्स का यूज उल्टा हो जाएगा यानी ही के साथ विल नहीं आएगा इट हैज़ टू बी शेल दैट ही शेल किल देम आई गेस ये जो रिवर्स यूज है विल और शेल का ये आपको समझ में आएगा अच्छे तरीके से कि कहाँ पर आई वी के साथ विल लगेगा कहाँ पर आई वी के साथ शल लगता है और कहाँ पर इन सब के साथ विल लगेगा और कहाँ पर शल लगेगा ठीक है नेक्स्ट है एप्लीकेशन नंबर टू कंडीशनल सेंटेंस ठीक है कंडीशन का मतलब क्या होता है कोई शर्त लगा देना इफ सपोज इन केस एज सुन एज एक्सेट्रा ये कुछ ऐसी कंजेक्शन होती हैं जो सेंटेंस को कंडीशनल बनाने का काम करती है ठीक है इफ हुआ सपोज हुआ इनकेस हुआ इनको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दिया हुआ सेंटेंस क्या है कंडिशनल है तो अगर आपका कोई सेंटेंस कंडिशनल है यानी इफ से स्टार्ट हो रहा है या इनकेस से या सपोज से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर जो कॉम्बिनेशन हम टेंसेस का बनाते हैं वो क्या होगा इफ के इमीडिएट बाद जो सेंटेंस होगा उसमें हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज किया जाता है और दूसरा जो पार्ट होता है उसमें हमेशा फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस यहाँ पे एफ आ जाएगा ठीक डेफिनेट कंडीशनल सेंटेंस में जो पेयरिंग की जाती है टेंसेस की वो प्रेजेंट इनडेफिनेट और फ्यूचर इनडेफिनेट की, की जाती है फॉर एग्जाम्पल इफ शी प्लेज वेल शी विंस द गेम अब देखो, देखो इफ, इफ बाद जो सेंटेंस आया वहाँ पे हमने क्या क्या लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया लेकिन जो दूसरा पार्ट होगा उसमें फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आएगा उसमें क्या लिखा जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट यानी यहाँ पे विन्स नहीं आएगा इट हैज़ टू बी विल विल विन इफ शी प्लेज वेल शी विल विन द गेम नेक्स्ट वन आई विल बीट हिम इफ आई विल मीट हिम देखो देखो

See you in the next class. Thank you and good luck.